हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैंने मीन से लिया है। मीन, मोड, मीडियन जो आपके स्टैटिस्टिक्स में आते हैं उसमें से मीन में सिंपल मेथड तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। और मैंने देखा कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी जब आप जाते हैं तो इवन फर्स्ट ग्रेड में मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार आपको स्टेप डेविएशन मेथड समझा दूँ कि ये होता क्या है। देखिए, जनरली आपको जब मीन के क्वेश्चंस मिलते हैं तो इस तरह से आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, और क्लास इंटरवल्स के साथ आपके पास जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे दिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट f को रिप्रेजेंट करता है, ये जैसे 2, 3, 5, 6, 4, ये इसके f की वैल्यूज़ हो गई। तो इसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको xi की वैल्यू निकालनी है। xi क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या इन दोनों का मिड देख लीजिए। जैसे 0, 10 को अगर आपने ऐड किया तो 10 हुआ, 10 को 2 से आपने डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 5। ऐसे 10 और 20 को ऐड कीजिए, 30, 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15। ऐसे 20, 30 को ऐड कीजिए, 50, 50 का हाफ हो गया, 25। ऐसे ही फर्दर जैसे 30 और 40 को आपने किया 70, तो 70 का कर देंगे तो हाफ, 35। 40 और 50 का 90, 90 का हाफ कर दीजिए, दैट इज 45। xi तक तो सही है। नेक्स्ट अब ui जब निकालते हैं तो देखिए मैंने इसमें लिखा है कि ui हम कैसे निकालेंगे। xi तो ये है हमारे पास माइनस a। a क्या होता है, a होता है इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप ले लीजिए। कोशिश करें अगर आप मिड की वैल्यू ले लेते हैं तो वेल एंड गुड। तो जैसे मैंने a ले लिया 25, a क्या ले लिया मैंने 25। अब देखिए जब मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूंगा ui तो कैसे होगा, xi कितना है मेरे पास 5, ए कितना लिया है मैंने 25, सबके लिए सेम रहेगा, बस xi सबके चेंज होते जाएंगे। और h यानी होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब यहाँ पर ये देखिए कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है, तो आपके पास जो h की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई है, h की यहीं पे लिख देते हैं हम, h की वैल्यू हो गई हमारे पास 10। तो जैसे देखिए मैं फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके लिए ui कैसे निकलेगा, ये मैंने लिखा ui इक्वल्स टू xi कितना है देखिए इसका 5 माइनस ए कितना है इसका 25 अपॉन में एच कितना है इसका, डिफरेंस कितना था 10, तो 25 में से 5 गए तो प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 गए तो 20, लेकिन साइन हमेशा बिगर का क्योंकि माइनस का 20 बिगर है, नीचे 10, 10 से कट हो गया, ये आ गई वैल्यू आपके पास माइनस 2। तो ये माइनस 2 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब जब आप सेकंड करेंगे तो बस यहाँ पे 5 की जगह अब क्या आ जाएगा 15, क्योंकि a और h तो सभी में सेम रहेंगे, तो 15 में से 25 चले गए तो अब आपके पास बच गए 10, 10 से 10 गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस 1, क्योंकि 25 बिगर था ना, तो माइनस का 10 आएगा, 10 से 10 गया माइनस का 1, यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 1। अब देखिए थर्ड में बस इसमें 5 की जगह क्या आ जाएगा 25, तो 25 में से 25 गए तो 0, और 10 से 0 गया तो किसी भी नंबर को जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आंसर इज ऑलवेज बी 0। बस अब देखिए ये जो वैल्यूज है यहाँ पर आपको xi की वैल्यू रखते जाना है और इसको सॉल्यूशन में लेते जाना है। अब देखिए मैं 35 अगर यहाँ पे रखता हूँ अब नेक्स्ट, तो 35 में से 25 गए तो 10 बचेंगे, लेकिन अब बिगर का कौन सा नंबर है, प्लस का 35, तो इसलिए प्लस का 10 आया तो 10 से 10 गया तो प्लस का 1, तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस 1। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे 45 रख दीजिए, तो 45 में से 25 गए तो प्लस का 20, 45 बिगर है ना, तो 45 में से 25 गए तो प्लस का 20, प्लस का 20 जब 10 से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस का 2, ये आ गए हमारे पास ui के नंबर। क्या किया एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, देखिए xi ये नंबर आई गए हमारे पास, हमने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया था तो xi आ गए थे हमारे पास। नेक्स्ट a की वैल्यू इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं, अगर मिड वाला लेते हैं तो वेल एंड गुड। h यानी डिफरेंस, इनमें जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे रख के आप इसको सॉल्यूशन में ले सकते हैं। तो मैंने वही किया, xi सभी के चेंज हो रहे थे जैसा मैंने अभी आपको समझाया, बाकी वो a में से ऐसे माइनस होते जाएंगे और ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब जैसा आप नेक्स्ट देख रहे हैं fi ui, तो fi हमारे पास क्या थी वैल्यू, देखिए ये रहा, ये fi की वैल्यूज हैं सारी और ये रहा ui, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, देखिए 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 6 1 जा 6, 4, अब देखिए 4 और ये 2, 4 2 जा 8,
अब आपको क्या करना है, ये टोटल एफ आई यू आई को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस का तो 7 हो गया मेरे पास, अब प्लस का 14, तो प्लस 14 में से 7 चले गए तो प्लस का 7, ठीक है ना, प्लस वही प्लस का 14 था और माइनस का 7, तो प्लस 14 में से माइनस 7 चले गए तो प्लस का 7, और हमारे को एक हमें टोटल करके रखना है इसका भी एफ आई। एफ आई कितना हो गया देखिए, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 6, 16 और 4, 20। तो ये हम आपके पास वैल्यू आ गई एफ आई की और एफ आई यू आई की। अब हम नेक्स्ट में इसको देखिए, अब हम सॉल्यूशन में लेते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे यूज़ करेंगे आप। तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे इसका मीन फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एफ आई यू आई टोटल अपॉन टोटल एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, और इसके आगे जो है वो हमें ए प्लस भी लिखना था, है ना, देखिए ऐसे a प्लस टोटल एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो a की वैल्यू क्या रखी थी हमने, देखिए यहाँ से 25, a की वैल्यू हमने रखी थी ना 25, तो ये a की जगह आ गया 25 प्लस एफ आई यू आई कितना है आपके पास 7, एफ आई कितनी आई आपके पास 20, और h कितना था, हमने डिफरेंस देखे थे ना इन सभी में, जो डिफरेंस था h 10। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, इसमें जब भी आप ये फॉर्मूला रखते हैं कि इसमें आप ये देखिए, मैंने इसको एफ थोड़ा सा बना देता हूँ, क्लियर दिखाई दे, मैं चाहे तो फॉर्मूला वापस एक बार मेंशन कर दूंगा। इसमें आप है ना इसको मत टच कीजिए, पहले इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब ये 7 हो गया, 2 से 7 गया, ये मेरे पास 25 था, 2 से 7 कट हो गया तो ये हो गया 3.5, तो इसका आ गया 25 और 3 कितने हो गए 28.5, सो हमारे पास मीन कितना आ गया है 28.5। अब ये आंसर्स कैसे राइट है ये भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए 25 प्लस 3.5 किया 28.5, ये आंसर राइट कैसे है ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए आप इसका मिड देखिए, देखिए मिड 5 है ना, तो 2 नीचे छोड़ दीजिए, 20 से 30 के बीच में है, तो ये जो आपका आंसर आया 28.5 दैट इज इसके बिटवीन आ रहा है, तो ये आपका आंसर है 28.5, मीन्स आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा स्टेप डेविएशन मेथड जो है, ये जो मेथड है हमारे पास, वो हम मेथड जो है कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे देखिए ये मेथड जनरली उन क्वेश्चंस में यूज़ में आएगा जहाँ पर क्या होता है, ये जो है ना हमारे पास क्लास इंटरवल ये इक्वल नहीं हो, जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, 10 का है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 20 का किसी में 10 का गैप होता तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये जो एच है ये आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट आप 10 का ही डिफरेंस रखना चाहते हैं तो यहां पर आप 10 करके बाकी सेम इसी प्रोसेस से आप सॉल्व कर देंगे, अगर आप 20 रखना चाहते हैं तो h की जगह 20 कर देंगे, सेम इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से हमने स्टेप डेविएशन मेथड देखा, इसमें ये जो UI वाला जो पोर्शन था ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से देखें कि इसमें हमें a की वैल्यू क्या रखनी है, मैंने अभी आपको बताया कि मिड में से कोई सी भी ले सकते हैं, और h जो है वो डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस रखना है, और जैसे UI आ जाता है तो fi UI को यहां पे मल्टीप्लाई करके रख देंगे, फिर एफ आई का टोटल ये रहा, एफ आई का टोटल ये रहा, फिर फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूला था हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसको मैं चाहूँ तो देखिए फॉर्मूला एक बार मैं वापस से आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये टोटल को दिखाता है इंटू एच। तो ये हमारे पास स्टेप डेविएशन का मेथड था, आप इसमें अलग अलग क्वेश्चंस को रख के सॉल्व कीजिए, और ध्यान रखिए जब भी आपके इसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं हो तब आपको स्टेप डेविएशन ही सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।